सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मूव्स, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर फ्राइडे को, उसको भी तोड़ा सैटरडे को, और लौट के आए तो एक फ्लैट ओपनिंग के आज हफ्ते की शुरुआत में इंडिकेशंस। ऐसे में क्विकली पिच, ग्राउंड, स्टेडियम सब दिखाइएगा, समझ लेते हैं आज ग्लोबली किस तरह के समीकरण है, किस तरह का मूव माहौल। नहीं भाई, पिच रखिए स्क्रीन पे, देखा जाए जरा कैसा मूड। ठीक है, बढ़िया है, सख्त दिख रही है एकदम पिच। तो पिच सकते भाई, नहीं जबरदस्त तेजी दुनिया के बाजारों में है। एक बार अपने एक बार वापस ऐसे पीछे जा सकते हो क्या? हाँ यार, ये स्टंप में गैप तो नहीं है, लेकिन छाया जो है वो गैप के साथ आ रही है। ये कैसे कमाल करा आप लोगों ने, दिखा दिखा। हाँ ये बात तो मैंने तो पैसे दिए नहीं फिर इसने ऐसा तो नहीं, उधर पीछे हल्का सा नीचे पेंट कर दिया ग्रे कलर का, पैसा नहीं देता वो परछाई भी पेंट कर दी। खैर, पिच कैसी है? पिच ऐसे ही है, मृग मारीचिका टाइप की, आभासी। कि आपको देख के बहुत बड़ी तेजी लग, देख के मतलब रियल तेजी है यूएस में भी और इंडियन मार्केट में भी। लेकिन थोड़ा सा एक दो चीज़ें, जैसे गोल्ड एकदम रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया $2,080, और क्रूड जो है $84 के बाद। क्या डरना चाहिए? क्या नहीं डरना चाहिए? इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये तेज़ी इसलिए नहीं आई कि किसी ने बाइंग करी, इसलिए क्योंकि डॉलर वीक हुआ है। तो जब भी डॉलर वीक होता है कमोडिटीज़ में तेज़ी आती है, तो क्रूड में तेज़ी और गोल्ड में तेज़ी, बाकी कमोडिटीज़ में तेज़ी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी गिरा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो ISM नंबर आता है US का वो बहुत वीक आया था। तो ये सब तो मार्केट के फेवर में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत चिंता की बात भैया, तेज़ी का बाजार है। अब इसमें यह है कि आप थोड़ा सा सजग रहिए, स्टॉप लॉस वगैरह ध्यान रखिए, लेकिन मार्केट में कोई अभी साइन नहीं है कोई वीकनेस के। पावेल साहब हो सकता है बुधवार को कुछ ऐसा बोल दें जिससे कुछ, लेकिन मुझे लगता है क्या बोलेंगे, यदि बोलेंगे हम डेटा देखेंगे, डेटा देखेंगे। अब वो कहानी तो बदली चुकी, अब डेटा देख के डिसाइड करेंगे कट कब आए, ज्यादा क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो तेजी 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 है, तेजी रियल एस्टेट में, गजब की तेजी रियल एस्टेट में, मतलब तेजी इन द सेंस गजब सेल्स बुकिंग्स है। सिग्नेचर ग्लोबल का अपडेट आया, पहला स्टॉक उसी के साथ ग्रीन के साथ मूव करता हूं। इनका एक गुरुग्राम में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, डी ल्यूक्स DXB, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। ऑफिशियल लॉन्च से पहले 3600 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स इन्होंने हासिल कर ली, गजब का रिस्पांस है। मैं ग्रीन लेके चलता हूं, हालांकि स्टॉक रजिस्टिंग के बाद से गजब करा हुआ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ग्रीन है आज के लिए खबर पे एटलीस्ट। मॉइल, इसने अपने फरवरी महीने के अपडेट दिए, वैसे स्टील मिल तो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मॉइल को भी रखिए रडार पे भाई। बेस्ट एवर फरवरी का प्रोडक्शन है 1.51 लाख टन ऑफ मैंगनीज ओर का, साल दर साल 15% का उछाल, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर क्या सेल्स बढ़ रही है? हाँ भाई साहब, 18% साल दर साल दरअसल सेल्स बढ़ी है, ग्रीन रखता हूं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ने कहा कि इन्होंने मालडा पश्चिम बंगाल में इनके एग्जिस्टिंग यूनिट में लिक्विड ग्लूकोज का यूनिट सक्सेसफुली कमीशन कर दिया, 120 टन पर डे का। इस एक्सपेंशन के बाद 5 locations में इनकी लिक्विड ग्लूकोज की कैपेसिटी बढ़कर 900 TPD हो गई है। तीनों ग्रीन अलग अलग रीजन के साथ, तीन हो गए। या ओके तो मैं भी जल्दी जल्दी बताता हूँ, NTPC और पावर ग्रिड। NTPC इसलिए क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उन्होंने एक बैठक हुई शनिवार को, उसमें उन्होंने सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो इनका ऑलरेडी एक है, उसमें Stage 3 के लिए यहाँ पे 800 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट और होंगे, उसके लिए उन्होंने 17,195 करोड़ के अप्रूवल दिया है। तो आप ऐसे ही देख रहे हैं पावर सेगमेंट में क्या तेज़ी है। और दूसरा पावर ग्रिड इसलिए क्योंकि आज आपको भी डिटेल में बताया गया कि मोदी जी तेलंगाना सब जगह जाएंगे, करीब 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, तो पावर सेक्टर आज पूरा रडार पर रहने वाला है। पावर ग्रिड भी आप ग्रीन में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो भी थर्मल पावर या कहीं पावर लग रहा है, पावर ग्रिड को इसलिए फ़ायदा क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन इन्हीं के पास है, करीब 60% का मार्केट शेयर है, तो पावर ग्रिड भी ग्रीन में रखिएगा। और तीसरा एवेन्यू सुपरमार्ट लेगार्ड है, लेकिन इसने एक नया स्टोर खोला है बेंगलुरु में हिसार गट्टा में, तो हर ओपनिंग के साथ लगता है कि थोड़ा सा और मूवमेंट होना चाहिए, तो इसलिए इसको रखा ग्रीन में। तीन मेरे भी हो गए। ओके, अगले जो स्टॉक सब खबर रिलेटेड है, और ये खबरें कोशिश कर रही सब क्योंकि सैटरडे के बाद की जो डेवलपमेंट है उनको कैप्चर करूं। पटेल इंजीनियरिंग ने कहा है कि इनके JV को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है तेलंगाना के इरिगेशन डिपार्टमेंट से 525 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऑर्डर को।
अब उसमें से इनका जेवी का शेयर होगा करीब 267 करोड़ रुपीज का। ग्रीन रख दिया है वैसे स्टॉक को, लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, इसका मतलब कभी ना कभी L1 मिले होंगे और कहीं अपडेट आया होगा, तो इसीलिए जरा सा बस ग्रीन रखते हैं। खबर तो ठीक ही है। जैगल प्रीपेड ने लगातार कुछ ना कुछ टाइप एग्रेसिव हो गया है, या फिर पहले था आजकल रिपोर्ट करने लगा है। एक्सिस बैंक के साथ भी टाइप करा हुआ, डिटेल्स टाइप की आपकी स्क्रीन पर आएंगी, हरा रखा है। और जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट की इन्होंने बात करी वो नया यूनिट खोलने की, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ने भी साउथ में, इन्होंने तेलंगाना में अपना नया एक मल्टी ब्रांड स्टोर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खोला, तो इनको भी ग्रीन रख दिया। इनको धंधा ही केपेक्स ही है, नए नए एमबीओ खोलो। ओके, ओएनजीसी और एचओईसी दो ग्रीन में रखिएगा। तेल के दाम चूंकि बढ़ रहे हैं लगातार, $84 पे पहुंच गया है, तो मुझे लगता है कि ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा आना चाहिए, तो एक वजह से ये। और छठवां स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिन्होंने बेंगलुरु में करीब 62 एकड़ का नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो 2014 से फंसा हुआ था, 10 साल बाद अब शुरू हो रहा है, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले चार स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से, और अगले चार स्टॉक्स में एक तो डॉक्टर लाल को रखिएगा। इसमें एक इनके जो सीईओ हैं सब भारत, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो कुछ और काम करना चाहते हैं, पता नहीं ऐसे में स्टॉक रिएक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले दो स्टॉक हैं डालमिया भारत, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एड की कॉल दी, मतलब और खरीदने की कॉल दी, 2320 का टारगेट। लॉजिक ये दिया है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स का एक्विजिशन अगले कुछ महीनों में कम्प्लीट हो जाएगा और फिर ये पूरा बैलेंस शीट में आना शुरू होगा थर्ड क्वार्टर से एक्चुअली, तो उसको उन्होंने 2320 के टारगेट के साथ खरीदारी की दी है। और टाटा स्टील और JSW स्टील में सेल कॉल दी है CLSA ने, उन्होंने पूरे स्टील कंपनियों को डाउनग्रेड किया है एक्सेप्ट JSPL को छोड़ करके, तो आउट परफॉर्म से सेल कॉल दे दी है। टारगेट 135 है टाटा स्टील के लिए और 730 का टारगेट JSW के लिए। लॉजिक इनका ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के, उनको अब उनके प्रॉफिट पूल में श्रिंक आएगा क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो प्रोवाइडर हैं जैसे NMDC, मॉइल, इस टाइप की कंपनीज, उनको फ़ायदा होगा ज़्यादा, तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए उन्होंने सेल कॉल दी स्टील में, तो ये दोनों रेड में रख सकते हैं आज। ओके, चलिए बचे हुए जो चार स्टॉक्स हैं वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। सब खबरों के थ्रू ही स्टॉक मेंशन है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज, ये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज कर रही है प्रमोटर्स को और प्रमोटर ग्रुप को, 50 लाख इक्विटी शेयर्स और 1,25,00,000 के करीब वारंट्स जारी होंगे। ये वारंट्स जारी होंगे 125 रुपए पर, ये 125 रुपए पोस्ट स्प्लिट है। दरअसल उनका कहना है फेयर वैल्यू है 620 रुपए की, ये आने वाला है इस पे 1:5 में तोड़ने वाला स्प्लिट, तो एडजस्टेड दरअसल 125 रुपए आ गया, तो बढ़िया, मतलब मौजूदा भाव के करीब प्रमोटर्स तगड़ा 220 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं, ग्रीन कर दिया। एमी ऑर्गेनिक्स, 2 पेटेंट ऑफिस से पेटेंट्स को मंजूरी मिल गई, अब तो पेटेंट्स की संख्या पहुंच गई 9 के आसपास। द्वारिकेय शुगर, ये ध्यान रखिएगा इकलौता स्टॉक है जो फ्राइडे शाम को अपडेट आया था, इस पे हमने सैटरडे को रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, पर मैं आज ग्रीन लेके चलता हूं। बोर्ड मीट है इसी हफ्ते फ्राइडे को, बायबैक प्रपोजल पे बोर्ड विचार करेगा। और बजाज हेल्थ केयर, इकलौता रेड में ले रहा हूं लेकिन ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इसकी रेटिंग तो जस की तस रीअफर्म करी पर आउटलुक बदल दिया, स्टेबल से निगेटिव, चाहे इसका टर्म लोन हो चाहे इसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हो, फंड बेस्ड डाउनग्रेड आए आउटलुक। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे, तो टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ खबरों के चलते लाल हरा है। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। सिग्नेचर ग्लोबल रिकॉर्ड सेल्स गुरुग्राम के एक लग्जरी प्रोजेक्ट ऑफरिंग में, मॉयल फरवरी का अपडेट बहुत स्ट्रांग, चाहे वो सेल्स का आंकड़ा हो या प्रोडक्शन का आंकड़ा हो। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इन्होंने नया मालदा में यूनिट कमीशन करा पश्चिम बंगाल। पटेल इंजीनियरिंग के JV को अवार्ड मिला है, प्रोजेक्ट मिला है 500-550 करोड़ का।
जागिल प्रीपेड ने एक और टाइप करा, इस बार एक्सिस बैंक के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ने तेलंगाना में एक नया एमबीओ खोला। रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स को वारंट्स और शेयर जारी कर रहे हैं मौजूदा भाव के आसपास 220 करोड़ के। एमी ऑर्गेनिक्स को दो पेटेंट ऑफिस, भारत सरकार से दो पेटेंट्स की मंजूरी। द्वारिका शुगर एक स्टॉक है जो फ्राइडे को न्यूज आई थी, ध्यान रखिए, सैटरडे को रिएक्ट कर रहे थे हम लोग, पर इसी हफ्ते बायबैक पे बोर्ड मीट है इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। और बजाज हेल्थ केयर फाइनली रेटिंग्स आउटलुक जो है डाउनग्रेड हुआ, इसीलिए लाल रखा है। वैसे पिटा हुआ स्टॉक है, इस बात का ध्यान। एनटीपीसी और कंपनी ने करीब 17,000 करोड़ के दो नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है सिंगरौली में, जो स्टेज थर्ड के होंगे। पावर ग्रिड को ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जी कई सारे उद्घाटन करने वाले हैं जिसमें पावर ग्रिड के भी प्रोजेक्ट हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट ने बंगलुरु में एक नया स्टोर खोला है। ONGC और HOEC ध्यान रखिए, कच्चे तेल में तेजी, साथ ही प्रोडक्शन कट जून तक बढ़ा दिया ओपेक ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बेंगलुरु में करीब 62 एकड़ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो काफ़ी लंबे समय से फंसा था। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होगा। डॉक्टर लाल के CEO ने इस्तीफा दे दिया है। डालमिया भारत में कोटक इंस्टीट्यूशनल की खरीदारी की राय है 2320 का टारगेट। टाटा स्टील और JSW स्टील में सेल कॉल है, CLSA की ओर से डाउनग्रेड किया उन्होंने, और डालमिया भारत रखिएगा, यहाँ पे कोटक की बाय कॉल है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।